नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 ग्राम चिट्टा सहित तीन युवकों को कर लिया है गिरफ्तार। मामले के अनुसार जंक्शन पुलिस ने बाईपास पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान सुरेशिया कॉलोनी की तरफ से एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर आ रहे थे, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने उन्हें रुकवाकर जब तलाशी ली तो उनके पास से 22 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। तीनों आरोपी जंक्शन की सुरेशिया कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनका नाम सुखविंदर, मुकेश और पूरन है। आपको बता दें कि NDPS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये युवक दिल्ली से रेलगाड़ी के जरिए वहां से 22 ग्राम जो चिट्टा है लाने की सूचनाएं मिल रही हैं रेलगाड़ी के जरिए, क्योंकि बसें तो बंद है। रेलगाड़ी के जरिए जे लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे थे और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो सकेगा कि आखिरकार इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पुलिस जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ जंक्शन की टीम और जिला जो DST टीम है उसके सहयोग से तीन व्यक्तियों को 22 ग्राम चिट्टा और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया और प्रकरण दर्ज के आगे का अनुसंधान है जो लखवाड़ी चौकी प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। कितने को गिरफ्तार किया सर? तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए इसमें, 22 ग्राम चिट्टा जब्त किए गए और एक मोटरसाइकिल जब्त। कोई पूछताछ में हुआ पहले इन्होंने, कोई केस इन पर है इस तरह का? इस तरह का केस तो अभी दिखवा रहे हैं रिकॉर्ड, बाकी मारपीट के और ये लूट शॉट के मुकदमा इस पे है जो सोनू ओड है इस पे है। ठीक है। जहाँ एक और भारत के लोग कोरोना वायरस रोग से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे युवक जो है नशे के कारोबार करते हुए अभी भी अपने मादक पदार्थों की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और रेलगाड़ी के जरिए किस प्रकार तस्करी का नेटवर्क चलाए हुए हैं, अभी पुलिस जंक्शन पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद और भी खुलासा हो सकता है कि इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, कहां कहां से ये चिट्टा जो है खरीद कर लाते हैं और कहां ये सप्लाई करते हैं। यह खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।